कंपनी ने हाल ही में ही BS6 फेज 2 नॉर्म्स के अंदर अपनी नई लाइनअप जो है गाड़ियों की लॉन्च करी है जमशेदपुर प्लांट के अंदर। उसी में से भी आप देख पा रहे हैं, ये है टाटा कंपनी का योद्धा केबिन क्रू। अभी ये कार्गो बॉडी के साथ में भी आता है, अलग अलग पेलोड कैपेसिटी के साथ में आप इसको ले सकते हैं। 2000 किलो के अंदर जो पेलोड कैपेसिटी आती है वो भी इसमें आप ले सकते हैं, जो कि योद्धा 2.0 के नाम से भी आता है। अभी पर्टिकुलर जो मॉडल हमारे साथ में खड़ा है वो है योद्धा केबिन क्रू, भी इसमें आप देख सकते हैं केबिन के साथ में दिया गया है। पीछे की तरफ इसमें लोड बॉडी भी दी गई है। इसमें हम आपको बताएंगे किस तरह के फीचर इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, उसके अलावा कीमत क्या रहेगी उसके बारे में आपको बताया जाएगा, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले दोस्तों इसके फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा कंपनी का जो योद्धा सीरीज के अंदर जो गाड़ी आती है उसमें काफी एक बेहतरीन और बल्कि लुक गाड़ियों का आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में योद्धा की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, और जो फ्रंट हेडलाइट्स हैं वो आप देख सकते हैं हैलोजन बल्ब के साथ में दी गई है, और जो सामने की तरफ जो ग्रिल है वो भी काफी स्टाइलिश में आपको देखने को मिल जाती है। डबल ग्रिल के साथ में गाड़ी आती है, नीचे की तरफ भी आपको एयर सर्कुलेशन की काफी अच्छी जगह यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइट कलर के अंदर ये गाड़ी है, और जो चेसिस का कलर है वो सेम आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट बम्पर है वो आप देख सकते हैं डार्क ग्रे कलर का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। फोग लैंप है उसके लिए अलग से जगह दी गई है। डियर लाइट इसमें आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा जो फ्रंट ग्रिल है उसको और स्टाइलिश बनाने के लिए क्रोम फिनिश का यहाँ पे डिजाइन दिया गया है। टाटा कंपनी का लोगो आपको देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ जो हेडलाइट्स हैं काफी बड़ी हेडलाइट्स में आपको देखने को मिल जाती है, जो कि रात के समय काफी उपयोगी आपके लिए रहने वाली है। उसके अलावा विंडशील्ड आप देख सकते हैं काफी बड़ी इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाती है, और जो वाइपर्स हैं वो आप देख सकते हैं विंडशील्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिजाइन करे गए हैं। साइड प्रोफाइल से बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस गाड़ी की जो लंबाई है काफी अच्छी है, लंबाई के साथ में गाड़ी आती है, और जो टायर साइज है 215/75R 16 इंच के व्हील्स में आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक इसमें आपको व्हील जो दिए गए स्टील रिंग के साथ में गाड़ी आती है। उसके साथ साथ में जो साइड में जो एंगल आप देख सकते हैं, जो व्हील प्लस बॉडी के अंदर जो स्पेस है काफी अच्छा स्पेस में दिया गया है। क्रू केबिन के साथ में गाड़ी आती है, और पीछे की तरफ इसमें लोड बॉडी भी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि इस प्रकार से डिजाइन करी गई है। केबिन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केबिन पे चढ़ने के लिए इसमें यहाँ पे सबसे पहले फुटस्टेप दिया गया है, जिसकी मदद से आप केबिन के ऊपर आसानी से चढ़ पाएंगे। उसके साथ में जो डोर है काफी वाइडर लुक के साथ में खुलता है, में उतरने और बैठने में किसी प्रकार की दिक्कत है गाड़ी के अंदर नहीं आती है। जो केबिन है आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस केबिन गाड़ी आपको देखने को मिल जाता है। जो स्टेयरिंग व्हील है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, टाटा कंपनी का लोगो इसमें आपको देखने को मिल जाता है, और जो सीट है अपने हाइट के हिसाब से इसको आप यहाँ पे रिक्लाइन जो आसानी से कर पाएंगे। साइड पैसेंजर के लिए जो सीट दी गई है काफी बड़ी सीट इसमें आपको देखने को मिल जाती है। उसके पास गाड़ी के अंदर जो गियर बॉक्स यहाँ पे कंपनी ने प्रोवाइड करवाया है, GBS 76 गियर बॉक्स यहाँ पे कंपनी ने प्रोवाइड करवाया है, जो कि फुली सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स के साथ में आता है। स्पीड की अगर बात करी जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स का स्पीड देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको AC भी यहाँ पे कंपनी जो है फैक्ट्री फिटेड प्रोवाइड करवाती है। जो कंफर्ट है गाड़ी का काफी अच्छा इसमें आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं जो AC के ब्लोवर्स है कुछ इस प्रकार से डिजाइन करे गए हैं, और जो स्पेस है इसमें आपको डुबल स्पेस देखने को मिल जाता है। जो ग्लो बॉक्स है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डिजाइन किया गया है। उसके बाद दोस्तों इसके मीटर कंसोल की बात करी जाए तो इसमें आप देख सकते हैं एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर इसमें आपको देखने को मिल जाता है। बीच में बड़ी सी MID स्क्रीन दी गई है जिसमें आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रिप A ट्रिप B यहाँ पे सेट करके आप आसानी से चला सकते हैं। उसके अलावा ओडोमीटर दिया गया है। उसके साथ साथ में आप देख सकते हैं डीजल कितना है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर कितना है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्पीडोमीटर है दिया गया है, उसके साथ में RPM मीटर भी आपको साइड में जो देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इंजन से जुड़े जितने भी संकेत हैं आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ जो स्क्रीन दी गई है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों इस गाड़ी के अंदर जो स्टीयरिंग व्हील की जो एडजस्टमेंट है आपको ओनली टिल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, टेलीस्कोपिक यहाँ पे नहीं दी गई है। उसके अलावा एक ही एडजस्टमेंट इसमें आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा बात करें लाइट से जुड़े कंट्रोल की, इसमें आपको साइड में यहाँ पे लाइट से जुड़े कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, वाइपर से जुड़े कंट्रोल साइड में इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा ऊपर की तरफ इसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी सी LED लाइट दी गई है, जो कि काफ़ी उपयोगी आपके लिए रहने वाली है। साथ ही में आप देख सकते हैं जो IRVM है काफ़ी बड़ा इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जो कि डे एंड नाइट रनिंग दोनों ही साइन के साथ में आप इसको एडजस्ट करके आसानी से चला पाएंगे। उसके अलावा 5 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जो कि यूज़ भी आप आसानी से इसमें उपयोग यहाँ पे कर पाएंगे। आगे बढ़ते हुए इसमें देख सकते हैं पार्किंग ब्रेक जो है वो सीट के साइड में ही जो देखने को मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों इसका जो मेन कॉम्पिटिशन है वो महिंद्रा बोलेरो कैंपर से है, तो उसमें जो
पीछे जो केबिन दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं जो सीट है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डिजाइन करी गई है। जो हेडरेस्ट है यहाँ पे फिक्स इसमें हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, और जो केबिन के अंदर जो स्पेस है वो भी आप देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों इस केबिन की हाइट की अगर बात करें तो सबसे पहले आप ये बताइए अपनी हाइट कितनी है आपकी। मेरी 5 फुट 8 इंच। 5 फुट 8 इंच है तो नॉर्मल आप देख सकते हैं कि जो हाइट है वो 5 फुट 8 इंच की है, और जो स्पेस है केबिन का काफी अच्छा इसमें आपको देखने को मिल जाता है। जो सीट से आगे जो रेक्लाइन है केबिन के अंदर जो देख सकते हैं काफी अच्छा स्पोर्ट इसमें आपको सीट का जो देखने को मिल जाता है, जो कि काफी एक सेफ्टी के लिहाज से काफी अच्छी चीज में देखने को मिल जाती है। उसके अलावा दोस्तों इसके फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात करी जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको लीफ स्प्रिंग वाला सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो कि स्ट्रोक अब्जॉर्वर के साथ में आता है, जो कि केबिन के अंदर कंफर्ट है काफी अच्छे तरीके से बढ़ा देता है। उसके अलावा जो रियर सस्पेंशन है इसमें आपको लोड बॉडी के हिसाब से यहाँ पे डिजाइन किया गया है, सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन दिया गया है जो कि हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक शॉक अब्जॉर्वर के साथ में आता है। केबिन के अलावा अगर पीछे की तरफ आप लोड लेके चल रहे हैं तो काफी अच्छी यहाँ पे कंफर्टेबल इसमें आपको देखने को मिल जाता है। किसी प्रकार के यहाँ पे अगर ऑफ रोड में भी आप गाड़ी चला रहे हैं तो किसी प्रकार के झटके ज्यादा इसमें आपको नहीं देखने को मिलते हैं, काफी अच्छी चीज इसमें आपको देखने को मिल जाती है। कार्गो बॉडी लेना चाहते हैं तो वो भी कंपनी यहाँ पे अवेलेबल करवाती है, उसका जो पेलोड कैपेसिटी है अलग देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ जो लोड बॉडी दी गई है इसमें आप देख सकते हैं इसका जो साइज है 6x6 फीट के साइज में इसका जो साइज है आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा जो पेलोड कैपेसिटी इस गाड़ी की आपको 1140 किलो की देखने को मिल जाती है। टोटल GVW वेट की बात करी जाए तो इसमें आपको 2990 किलो का GVW वेट जो है देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस गाड़ी को काफ़ी यहाँ पे पावरफुल ज़्यादा यहाँ पे हैवी बना देता है। उसके अलावा ग्रेडिबिलिटी की अगर बात करी जाए तो इस गाड़ी की जो ग्रेडिबिलिटी है फर्स्ट गियर के अंदर चढ़ाई पे अगर गाड़ी को आप चढ़ा रहे हैं तो 40% की ग्रेडिबिलिटी के साथ में गाड़ी आती है। उसके अलावा इस गाड़ी के रियर लुक की अगर बात करी जाए तो इसमें आप देख सकते हैं पीछे की तरफ लोड बॉडी दी गई है, उसमें आपको पीछे की तरफ यहाँ पे सेफ्टी के लिए 4 पार्किंग सेंसर जो देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सेफ्टी के लिहाज से बात करी जाए तो काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे कंपनी ने प्रोवाइड करवाई है। उसके अलावा जो रियर टेल लैंप है हैलोजन बल्ब के साथ में दी गई है, उसके साथ साथ में जो स्पेयर टायर है आपको पीछे की तरफ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दोस्तों डीजल टैंक की बात करी जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको 45 लीटर का डीजल टैंक जो है देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्रकार से यहाँ पे डिजाइन किया गया है। जो क्वालिटी है यहाँ पे मेटल क्वालिटी का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। गाड़ी के बोनट को खोलने के लिए इसमें आपको यहाँ पे अलग से लीवर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों इस गाड़ी के इंजन की बात करी जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको टाटा कंपनी का 2.2 लीटर का वेरिकोर BS6 फेज 2 नोम्स वाला इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 74.5 किलोवाट की पावर। और टॉर्क की अगर बात करें तो इसमें आपको 250 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। टोटल इंजन रेटेड आरपीएम की बात करें तो इसमें जो 250 Nm का जो टॉर्क है वो 1000 RPM से लेकर 2500 इंजन रेटेड आरपीएम भी यहाँ पे टॉर्क जो है प्रोड्यूस करता है। उसके बाद इस गाड़ी के ब्रेक की बात करी जाए तो इसमें जो फ्रंट ब्रेक यहाँ पे कंपनी ने जो है 296 डायर डिस्क ब्रेक यहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं, जो कि ट्विन पोर्ट क्लिपर के साथ में दिए गए हैं। जो कैलिपर्स हैं वो काफ़ी हाई क्वालिटी के इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, और जो रियर ब्रेक्स हैं इसमें आपको ड्रम ब्रेक यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि 296 डायर के अंदर ही यहाँ पे दिए गए हैं। गाड़ी के डायमेंशन की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको 210 mm की देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ में इस गाड़ी में टोटल टर्निंग रेडियस की बात करी जाए तो 6250 mm की देखने को मिल जाती है। उसके अलावा जो व्हील बेस है 3150 mm का दिया गया है। चौड़ाई की अगर बात करें तो 1860 mm की चौड़ाई के साथ में गाड़ी आती है। जो लंबाई है 5350 mm की देखने को मिल जाती है। उसके अलावा जो हाइट है गाड़ी की आपको 1810 mm की यहाँ पे कंपनी ने प्रोवाइड इसमें करवाई है। इसका जो मेन कंपटीशन रहता है महिंद्रा कंपनी के बुलेरो कैंपर से रहता है, उससे ये गाड़ी काफ़ी एक अलग फीचर्स के साथ में आती है। जो पावर प्रोड्यूस है पावर फैक्टर है इस गाड़ी का ज़्यादा आपको उससे देखने को मिल जाता है। और जो फीचर वाइज गाड़ी में बात की जाए तो काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स में देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है इस गाड़ी के प्राइस की, तो हम आपको बताते हैं इस गाड़ी की कीमत क्या है। तो हमारे साथ में जुड़े हैं कंपनी के सेल्समैन, इसे हम आपको बताते हैं। नमस्कार जी, एक बार अपना नाम वगैरह बताएं, अपना परिचय दे थोड़ा सा, एक बार इंट्रोडक्शन दे थोड़ा सा। सर मेरा नाम गगन यादव जी, मैं अपने साइन मोटर में काम करता हूं जी, सेल्स में से DSC। तो अभी जैसे कोई कस्टमर इसको लेना चाहता है, कीमत अगर जानना चाह रहा है, प्राइस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बताएं। प्राइस बिल्कुल यही अच्छा है इसका, अगर आप नॉन एसी वेरिएंट में लेना चाहते हो तो गाड़ी का आएगा 9,97,000 रुपये, ठीक है। और एसी वेरिएंट में गाड़ी लेना चाहते हो तो 10,37,000 रुपये, ये एक्सट्रीम रेट है। उसके अलावा जो कीमत होती है, जो प्राइस होता है, वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रहता है, वो कंपनी के हिसाब से रहता है। लेकिन अभी हम जैसे कि हमारे साथ में सेल्समैन जुड़े हैं, जो हमारे साथ में सर जुड़े हैं, ये हमें बता रहे हैं कि जो प्राइस है जैसे कि इन्होंने आपको बताया है। उसके अलावा डीलरशिप एड्रेस की बात करी जाए तो भिवानी के अंदर आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे, कोई कस्टमर लेना चाहे इस गाड़ी को, तो संपर्क सूत्र आप थोड़ा सा बताएं। तो सर ये है कि भिवानी के अंदर आप लोहारू रोड के ऊपर अपना साहिल टाटा मोटर्स के नाम से अपना डीलरशिप है, ठीक है। और शिवानी के अंदर तोफान रोड पे, ठीक है। ठीक है जी, आप कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहते हो तो कंपनी के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हो 9, ठीक है, 888-00520।
एंड 9993052180। ओके, इन दोनों नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डिटेल वगैरह ले सकते हो, हम आपको जो हेल्प करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर सर्विस की बात करी जाए तो आपकी डीलरशिप पे सर्विस जो है अवेलेबल रहेगी नहीं रहेगी उसके बारे में थोड़ा सा? सर, हमारे पास ये सर्विस भी अवेलेबल है। ठीक है, हमारा वर्कशॉप भी है, खुद के बंदे भी हैं और अच्छे ही हमारे पास मैकेनिक हैं। ठीक है, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, कोई भी गाड़ी में प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज गाड़ी इतनी अच्छी है, इतनी कम्फर्ट में है कि गाड़ी में प्रॉब्लम बहुत ही कम आती है, फिर भी हम आपको 24/7 गारंटी करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी जानकारी भरी रोचक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।